हेलो भाई, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ में क्लास 12th एक्सरसाइज 3/2 सम नंबर 15। फाइंड मैट्रिक्स एक्स एंड वाई। फाइंड मैट्रिक्स एक्स एंड वाई इफ 2x प्लस का वाई इज इक्वल टू 4 4 7 7 3 4 एंड एक्स माइनस का 2y इज इक्वल टू में -3 2 1 2 -1 2। देन फाइंड मैट्रिक्स एक्स एंड वाई। बच्चों हमने करना कैसे क्या है बच्चों, इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं बच्चों इसमें हमने निकालना क्या है। यहाँ से बच्चों हमने एक्स मैट्रिक्स और वाई मैट्रिक्स निकाल के लेना है। बच्चों ये हमें ना दो इक्वेशन दे रखी है, इसका एक नाम मान लेते हैं इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बच्चों यहाँ से सबसे पहले हम एक्स निकालती है, क्या निकालती है बच्चों, सबसे पहले एक्स निकालती है। तो एक्स कैसे निकलेगा बच्चों, अगर मैं इक्वेशन सेकंड को या फिर मैं इक्वेशन वन को बच्चों वन को टू से मल्टीप्लाई करके टू इक्वेशन टू में ऐड कर देता हूं, तो ना ये वाले जो कोएफिशिएंट है ना बच्चों बराबर आ जाएंगे, इक्वल बढ़ जाएंगे। तो क्या करना बच्चों, अपने मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय टू एंड एडिंग इन इक्वेशन टू वी हैव वन को टू से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सेकंड में ऐड करने पर टू से मल्टीप्लाई करा टू टू जा फोर टू वन जा टू इज इक्वल टू मैट टू फोर जा एट 2 4 6 2 7 14 2 7 14 2 3 6 2 4 8 इस बच्चों इसको टू से मल्टीप्लाई करा हमने अब एडिंग इक्वेशन सेकंड में ऐड करने पर तो ये बच्चों नुक्कियों उतार लेंगे हम नुक्कियों उतारते तो बच्चों यहाँ पे एक्स लिखा जाएगा एक्स मैट्रिक्स माइनस के टू वाई इज इक्वल टू मै मैट्रिक्स जो -3 2 1 1 -1 इस तरीके से बच्चों। अब जो हमने इसमें क्या करना है, इन दोनों को क्या करना बच्चों ऐड करना है। तो एडिंग के टाइम कोई निशान नहीं बदलना होता, जब बच्चों ऐड करते हैं ना तो ये 4 है ये 1 है बच्चों, कितने बन गए यहाँ पे 5y बने 5x बने बच्चों, ये मैट्रिक्स कट जाएगी दोनों, वाई की जो टर्म से बच्चों कट जाती है। इन दोनों को बच्चों अपने करना क्या है ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर क्या बनता है 8 और 3 बच्चों 8 में से 3 जाएगा ना, 8 में से क्या जाएगा बच्चों 3 जाएगा, कितना बचा 8 में से 3 गया बच्चों 5 बनेगा यहाँ पे 5, यहाँ से बच्चों बना 10, ये बना बच्चों 15, ठीक है। इस तरीके से बच्चों ऐड करते हैं हम, 14 में 1 जोड़ दिया 15 बना, ये बच्चों 5 बना, ये बच्चों कितना बना 8 2 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। अब बच्चों आप ना इसकी हर एंट्री को 5 से डिवाइड करते हैं बच्चों एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी, तो एक्स इज इक्वल टू होगा एक्स इज इक्वल टू 5 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
सबसे पहले हमने आपने देखना है कि वाई मैट्रिक्स कैसे निकलेगी बच्चों। तो बच्चों वाई मैट्रिक्स निकालने के लिए ना आपको जो आपने जो एक्स के कोएफिशिएंट है ना उनको बराबर करना होगा बच्चों। यहाँ पे कितना बच्चों दो, यहाँ पे कितना बच्चों एक है। अगर बच्चों आप इक्वेशन सेकंड को टू से मल्टीप्लाई कर देती है, अगर आप इक्वेशन सेकंड को टू से मल्टीप्लाई कर देती है ना, तो एक्स के जो कोएफिशिएंट है ना बच्चों बराबर आ जाएंगे और माइनस करने पर कट भी जाएंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय टू एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम वन वी हैव, क्या लिख दिया बच्चों भाई, सेकंड इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करके वन में से माइनस करने पर। तो सबसे पहले बच्चों अपने वन जो इक्वेशन है ना नुक्कड़ नुक्कड़ लिखनी पड़ेगी। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर वन है नुक्कड़ नुक्कड़ लिख, टू एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू मैं फोर है सेवन, यहाँ पे बना सेवन है थ्री फोर, इस तरीके से बच्चों। अब आप ना इक्वेशन सेकंड को टू से मल्टीप्लाई भी करना और यहाँ पर लिखना भी बच्चों, टू से मल्टीप्लाई भी करना और लिखना भी है। तो ये बन जाएगा टू एक्स
2x 2 4 4y = 4 2 3 6 6 6 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 4 इस तरीके से बच्चों अब आप देख देंगे सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि बच्चों माइनस करने लग रही है ना तो सब्ट्रैक्टिंग लिख देंगे। सब्ट्रैक्टिंग के टाइम बच्चों निशान बदल जाएंगे, ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये वाला प्लस का हो जाएगा, ये वाला बच्चों माइनस का हो जाएगा। कुल मिलाकर बच्चों आपने इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, माइनस करना है। बच्चों जब माइनस करेंगे ना तो देखो दोनों के कोएफिशिएंट x की जो टर्म है ना उनके कोएफिशिएंट बराबर हो गई तो ये कट जाएगा, ये वाला बच्चों ऐड हो जाएगा, 4 और 1 कितने हो गए 5 हो गए, तो 5y = में इस बच्चों इसमें से आपने इसको क्या करना है माइनस करना है, तो 4 ये बच्चों हो गई प्लस है, 4 और 6 कितने 10, ये 10 बन गए, ये बच्चों ये वाला कट गया, 7 में से 2 गया 5 बनेगा, ठीक है 7 में से 2 गया 5 बनेगा, 3 और 2 5 हो जाएंगे, 4 में से 4 गया 0 हो जाएगा। बच्चों y निकाल के लाना है, क्या निकाल के लाना है y, तो इसकी हर एंट्री को आप बच्चों 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 * 10 0 का 0 5 * 5 1 * 1 * 0 जा, ठीक है इस तरीके से बच्चों y मैट्रिक्स आ जाएगा। तो अब क्या करना, क्या बच्चों आपने निकालना क्या था बच्चों, y x और y निकालना था, तो आपने बच्चों लास्ट में आंसर लिख देना, तो hence the required matrix, hence the required matrix are x = and y = this is our answer। लास्ट में जो आपने इंग्लिश में इसका आंसर बता देना है, hence the required matrix are x = जो आंसर है बच्चों एंड y = जो आंसर है which is the required answer, ठीक है बच्चों। तो ये सवाल इस तरीके से करना था अपना, ओके ऑल द बेस्ट, थैंक यू।